हेलो एवरीवन आज हम लोग जो क्वेश्चन देख रहे हैं लीड कोड का फोर फोर फाइव ऐट टू नंबर्स सेकेंड वर्जन क्वेश्चन देख लेते हैं यू आर गिवन टू नॉन एम्प्टी लिंक लिस्ट नॉन टू नॉन एम्प्टी लिंक लिस्ट रिप्रजेंटिंग टू नॉन नेगेटिव इंटीजर्स द मोस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट कम्स फर्स्ट एंड ईच ऑफ देयर नोट्स कंटेंट्स अ सिंगल डिजिट एट द टू नंबर्स एंड रिटर्न द सम एज अ लिंक लिस्ट यू मे एज्यूम दैट टू नंबर्स डू नॉट कंटेन एनी रीडिंग जीरो एक्सेप्ट द नंबर जीरो इट सेल्फ ओके तो देखो ये क्या बोला कि दो लिंक लिस्ट दिया हुआ है जैसे सेवन टू फोर थ्री तो इसका जो मोस्ट सिग्निफिकेंट बीट है ना ये वाला है सेवन टू फोर थ्री इसमें क्या है फाइव सिक्स फोर तो हम लोगों को एडिशन आ, ऐसे नहीं करना है सेवन का फाइव में नहीं करना है टू का सिक्स में ऐसे नहीं करना है हम लोग एडिशन ऐसे करना है थ्री का फोर में फोर का सिक्स में और टू का फाइव में देन वाट अवर द कैरी फॉरवर्ड विल भी वो उसमें सेवन में एडिशन होगा ठीक है तो अगर आप इसका जब रिजल्ट निकालोगे तो रिज़ल्ट ऐसा बन के आएगा फोर और थ्री फोर और थ्री सेवन फोर और सिक्स और टेन तो जीरो यहाँ पर आ जाएगा वन कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा वन कैरी फॉरवर्ड होगा तो वन यहाँ पे आएगा टू और फाइव सेवन वन एट एंड देन सेवन ठीक है तो उसको ये वाला नोट चाहिए ये वाला नोट चाहिए ठीक है तो uh, सबसे सिंपल सा उपाय ये है कि जो भी हमको ये लिस्ट एलेवन मिल रहा है और जो भी ये लिस्ट एल टू मिल रहा है इन दोनों को रिवर्स कर देंगे तो रिवर्स कर देंगे तो हमको लिस्ट कैसा मिल जाएगा ये ऐसा हो जाएगा सेवन टू फोर थ्री फिर इसको भी रिवर्स करेंगे तो कैसा बनेगा फाइव सिक्स फोर जब आप जब रिवर्स आ जाएगा तो हम लोग क्या करेंगे इसको नॉर्मल एडिशन करेंगे फिर नोट बनाते जाएंगे साथ साथ में आई एम जस्ट टेलिंग कि कैसे हो सकता है ये फोर प्लस सिक्स कितना रहता है टेन तो ज़ीरो कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा वन फाइव टू सेवन एक एट करी फॉरवर्ड एट नो करी फॉरवर्ड आगे तो देन अगेन सेवन तो हमको ये मिलेगा हमको ये वाला नोट का डिटेल रहेगा इसको भी रिवर्स कर दो जब इसको भी रिवर्स कर दोगे तो इट विल बी लुक लाइक दिस सेवन एट जीरो एंड सेवन तो ये वाला नोट को आपको रिटर्न कर देना है ठीक है आई होप यू गॉट द क्वेश्चन बट इस क्वेश्चन में एक चीज़ बोला है कि वी आर नॉट अलाउड टू रिवर्स फॉलो अप क्वेश्चन कि हम लोग ना वी आर नॉट अलाउड टू रिवर्स दिस कि आप रिवर्स मत करो और कुछ कर सकते हो तो सोचो विदाउट डूइंग द रिवर्स अगर इफ़ यू कैन डू तो इट्स विल बी इट विल बी ओके ठीक है अब देखते हैं अगर हम रिवर्स नहीं कर सकते हैं तो हमारे पास क्या ऑप्शन है हम एडिशन डायरेक्टली नहीं कर सकते राइट हम एडिशन डायरेक्टली नहीं कर सकते सेवन का क्योंकि हमारे पास सेवन का डिटेल है और फाइव का डिटेल है हमारे पास थ्री और फोर का डिटेल नहीं है और वो बोला कि रिवर्स भी नहीं कर सकते रिवर्स कर लेते तो मैंने आपको दिखाया कि रिवर्स कर देते तो एक कॉमन हेल्पर मेथड लिख देते रिवर्स और हमको ये रिवर्स करके दो हेड मिल जाते हैं तो हम लोग अपना नॉर्मल परफॉर्म कर लेते हैं बट यहाँ पे हम लोग रिवर्स नहीं कर सकते तो हम लोग क्या कर सकते हैं हम लोग सिंपली क्या कर सकते हैं कि इटरेट कर सकते हैं फर्स्ट वाले फर्स्ट uh, वाले लिस्ट uh, को और एक uh, uh, क्या करेंगे हम लोग एक एरे uh, ले लेंगे ठीक है सॉरी एरे बोल रहा हूँ मैं एक स्टैक ले लेंगे उस स्टैक में उसको इटरेट करके डालते जाएंगे एलिमेंट अब जब हम लोग फर्स्ट वाले को इटरेट करेंगे तो हमको क्या मिलेगा स्टैक का प्रॉपर्टी क्या होता है लास्ट इन फर्स्ट आउट तो सेवन आया फिर टू आया राइट right? फिर फोर आया फिर थ्री आया तो देखिए हमको थ्री का डिटेल मिल गया क्योंकि ये टॉप पे रहेगा तो स्टैक में क्या होता है जो सबसे लास्ट में जा रहा था वही सबसे पहले निकलेगा अभी फाइव सिक्स फोर को भी डाल लेते हैं फाइव सिक्स एंड फोर तो देखिए ये हमारा हो गया लिस्ट वन ये हमारा हो गया लिस्ट टू हमने क्या किया हमने दो स्टैक लिया और दोनों स्टैक में जाके दोनों जो भी हमको लिंक लिस्ट एलेवन एल दिया रहेगा उसको ट्रवर्स करके दोनों स्टैक में डाल दिया तो हमारा एलेवन ये हो गया एल हो गया अगर मैं इसको पॉप करूँगा तो हमको हमेशा थ्री मिलेगा जो कि हमारा रिक्वायरमेंट था इसको भी पॉप करूंगा तो फोर मिलेगा ठीक है जब पॉप कर लूँगा तो नेक्स्ट एलिमेंट क्या हो जाएगा फोर एंड सिक्स ठीक है और एडिशन करते समय हम लोग को क्या ध्यान रखना है करी फॉरवर्ड का ठीक है करीब फॉरवर्ड का हम लोग को बहुत ध्यान रखना है मैं बता देता हूँ क्यों देखिए स्टार्टिंग में लेट से कि हमारा करी फॉरवर्ड क्या है जीरो तो पहला जो अप्रोच है ना लेट से कि मैं क्या करूँगा ये जो हमारा स्टेक वन है स्टेक टू है इन दोनों को पॉप करूँगा तो हमको क्या मिलेगा थ्री और क्या मिलेगा दूसरे वाले से फोर और लेफ्टिक मैं चेक भी करते रहूँगा कि जब ये नॉन एम्प्टी रहेंगे तभी मतलब अब जैसे कि इसमें चार एलिमेंट है इसमें तीन एलिमेंट है राइट तो एक टाइम आएगा ना कि जब इसमें एक एलिमेंट बचा रहेगा और एक एलिमेंट इसमें नहीं बचा रहेगा तो हम ये पहले ये भी चेक करते रहेंगे कि एमपिटी ना हो तभी हम लोग इसमें से पॉप करेंगे पॉप कर लिए और कैरी भी स्टार्टिंग में एडिशन करेंगे ठीक है जीरो तो हमको क्या मिलेगा सेवन तो हमारा जो हमारा जो सम बन के आया सेवन लेट से कि फॉर द टाइम बिंग मैं क्या कर रहा हूँ एक नोट बना रहा हूँ ठीक है और ये मैंने स्टैक क्रिएट कर लिया इसको रिमूव कर देते हैं या फिर लेट से कि एक नोट बना रहा हूँ मैं उस नोट में जो वैल्यू है स्टार्टिंग में वो लट से को नल है इट इज़ पॉइंट टू द नल एक हमारा नोट है ठीक है जैसे ही सेवन आया हम हम लोग क्या करेंगे कि एक नोट बनाएंगे ठीक है उस नोट में हम लोग सेवन डालेंगे ये हमारा नल था और इसके नेक्स्ट में वो नल नल पॉइंट होने लगेगा ठीक है और इसको हम लोग पॉइंट करा देंगे इस वाले नेक्स्ट में ठीक है अब दूसरा स्टेप जब दूसरा स्टेप मतलब जब दूसरा बार पॉपअप कर रहे हैं अभी थ्री गायब हो चुका है फोर भी गायब हो चुका है अब यहाँ पर क्या मिलेगा फोर सिक्स प्लस कैरी फॉरवर्ड देखिए हमारे पास पिछली बार कैरी फॉरवर्ड नहीं था अगर होता कैसे पता चलेगा हमारे पास कैरी फॉरवर्ड है हम लोग क्या करते जो भी हमारा सम बन के आ रहा था ना उसमें अगर हम टेन का डिवाइड करेंगे तो हमको कैरी फॉरवर्ड मिलेगा लेट से कैरी इज इक्वल टू सम डिवाइडेड बाई टेन ये हमारा होता है कैरी इज डि सेवन डिवाइडेड बाई टेन ठीक है तो हमको कैरी मिल जाता है तो कैरी हमको इस लीन में ज़ीरो मिलता है क्योंकि सेवन को दस से डिवाइड करोगे तो हमको जीरो ही मिलेगा तो कैरी हमारा जीरो ही था हमने फोर प्लस सिक्स प्लस जीरो किया हमारा सम आ गया टेन ठीक है ये हमारा सम का वैल्यू है ठीक है अब जब हम लोग कैरी निकालेंगे तो कैरी निकालते समय दस का डिवाइड करेंगे ठीक है तो दस दस डिवाइड करोगे तो कैरी हमारा अपडेट हो जाएगा वन से ठीक है अब क्या हम दस को डायरेक्टली इसमें इस वाले नोट में डाल देंगे नहीं हम लोग क्या करेंगे दस को रिमाइंडर लेंगे दस से हमको क्या मिलेगा जीरो उसको हम लोग एक नोट में डालेंगे और उस नोट को पॉइंट कराएंगे इस सेवन पे ठीक है इंग्लिश बनते जाएगा हमारा अब तीसरा बार आएंगे हम लोग तीसरा बार जब आएंगे तो हमको मिलेगा यहाँ पे क्या टू राइट और यहाँ पे क्या मिलेगा फाइव तो हमको स्टैक वन से मिला टू और दूसरे वाले स्टैक से मिला फाइव फिर कैरी फॉरवर्ड कैरी फॉरवर्ड कितना है वन तो हमको क्या मिल जाएगा सम एट फिर हम लोग कैरी को अपडेट करेंगे कैरी को अपडेट कैसे करेंगे एट एट डिवाइडेड बाई टेन हम लोग कैरी को कैसे अपडेट करेंगे एट डिवाइडेड बाई टेन हमको क्या मिलेगा कैरी फॉरवर्ड यहाँ पे जीरो फिर हम लोग क्या करेंगे जो हम लोग नेक्स्ट नोड बनाएंगे उस नेक्स्ट नोड में क्या डालेंगे उस नेक्स्ट नोड में हम लोग डालेंगे एट डिवाइडेड एट रिमाइंडर टेन एट रिमाइंडर टेन तो हमको क्या मिलेगा वो एट मिलेगा तो एट यहाँ पे आ जाएगा ये लिंक करने लगेगा इसको ठीक है ये मैं दिखा बताऊँगा कैसे करेगा बट यू आर गेटिंग पॉइंट राइट कि हम लोग पहले एक रिजल्ट एक नोट रखे थे नल पॉइंट कराते थे जैसे जैसे हमको नोट मिलता जा रहा है उसको हम लोग उस जो पहला वाला है उसको हम लोग पॉइंट आउट कराते जा रहे हैं ठीक है थीका? अब फोर्थ फोर्थ टाइम जब आएंगे तो हमारा जो सिक्स भी निकल चुका है फाइव निकल चुका है ये वाला इम है तो हम लोग इस, इसी में बोल रहा है कि जब भी हम लोग चेक करेंगे ना हम लोग चेक करते जाएंगे कि स्टैक हमारा इम है कि नहीं तो जैसे कि स्टै ये हमारा एलेवन स्टैक वन है राइट तो स्टैक वन में क्या है इम नहीं है तो इम नहीं है तो, तो वैल्यू निकाल लो और उसको कहाँ पर कहाँ पर एडिशन करो सब में सेवन प्लस दूसरा वाला स्टैक टे, इमटी देखोगे उसमें है ही नहीं वैल्यू उसमें कुछ वैल्यू नहीं आएगा फिर कैरी फॉरवर्ड देखोगे कैरी फॉरवर्ड जीरो है तो इसको एडिशन करोगे सेवन आएगा फिर कैरी को आपको अपडेट करना है लेट्स से कि सेवन अब सेवन डिवाइडेड बाई टेन तो यहाँ पे आपको जीरो ही मिलेगा ठीक है और जो हमको uh, जो हमको रिजल्ट डालना है उसका रिमाइंडर लेंगे टेन से सम का और जो भी आएगा उसको हम लोग यहाँ पे डाल देंगे ठीक है तो अब आप देखो हम लोग क्या करेंगे हम लोग इस वाले नोट पे हैं इसी वाले नोट को हम लोग रिटर्न कर देंगे जब इसी वाले नोट को रिटर्न करेंगे तो हमको जो वैल्यू मिल गई क्या आ रही है सेवन एट ज़ीरो सेवन ठीक है सेवन एट जीरो सेवन देखिए हमको रिवर्स भी करने की ज़रूरत नहीं पड़ा ठीक है तो आई होप आपको एक्सप्लेनेशन समझ में आया है एक दूसरा एग्जांपल ले सकते हैं जहाँ पे मैं सबमिट किया था तो मेरा वो वर्क नहीं वर्कआउट नहीं हुआ था वो वाला वा टेस्ट मिस हो गया था तो मैं आपको बता देता हूँ लेट्स से कि हमको ऐसा देकर रखा हुआ है फाइव नाइन फाइव लेट्स से कि थ्री ऐसा करके दिया हुआ है हम लोग इस में डालेंगे इसमें आएगा फाइव ऊपर हो जाएगा नाइन दूसरे वाले स्टेक में आएगा थ्री ऊपर हो जाएगा फाइव ठीक है माई बैड ये वाला हो जाएगा आपका फाइव uh, वाले आएगा थ्री बाद में आएगा ठीक है अब हम लोग क्या करेंगे इन दोनों को इन दोनों को निकालेंगे नाइन थ्री ट्वेल्व ठीक है सम तो ट्वेल्व हो जाएगा हमारे पास एक कैरी भी रहेगा स्टार्टिंग में जिसकी नेशिव वैल्यू जीरो रहेगी तो जब ट्वेल्व का जीरो मेडिसन तो ट्वेल्व भी आएगा ठीक है तो हम लोग क्या करेंगे कैरी को अपडेट करेंगे कैसे अपडेट करेंगे ट्वेल्व डिवाइडेड बाई टेन तो करी विल बी अपडाइडेड बाई वन और जब हम लोग नोट बनाएंगे पहले यहाँ पे हमारा नल था उसको हम लोग पॉइंट आउट कराएंगे नेक्स्ट वाले से नेक्स्ट वाला हमारा क्या है नेक्स्ट वाला हमारा ट्वेल्व को जब टेन से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा रिमाइंडर uh, क्या बचेगा हमको टू तो यहाँ पे हमारा टू पॉइंट करना जाएगा ठीक है अब नेक्स्ट देखते दे हैं नेक्स्ट नेक्स्ट हम लोग फिर से अभी नाइन आउट हो गया फाइव आउट हो गया अमारे पास क्या बचेगा फाइव सॉरी दिस थ्री आउट हो गया अमरे पास क्या बचेगा फाइव एंड दिस फाइव ठीक है तो फाइव प्लस फाइव टेन लिख लेते हैं फाइव प्लस फाइव टेन और करीब करीब फावर्डेड बाई दिस वन दिस गाई तो कितना हो जाएगा इलेवन ठीक है इलेवन जब आएगा तो हम लोग क्या करेंगे ये जब इलेवन आएगा तो हम लोग क्या करेंगे कैफ करी को अपडेट करेंगे को अपडेट कैसे करेंगे डिवाइडेड बाई टेन तो हमको जो ग्यारह को दस से डिवाइड करोगे तो वन मिलेगा तो करीब करीब डिवाइडेड बाई वन अब जी यहाँ पर जो वैल्यू डालोगे वो क्या डालोगे रिमाइंडर टेन तो यहाँ पर आपका वन आ जाएगा ठीक है वन इज़ पॉइंटिंग टू द टू अभी Uh, अभी क्या हो गया कि हाँ इलेवन और टेन का जो कर दिया तो हम लोग को ये मिल गया वन टू क्या हमारा ये रिजल्ट है अगर आप इसको एडिशन करोगे तो क्या हमको यही मिलेगा नाइन थ्री टू फाइव 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 जीरो एंड द करी फॉरवर्डेड वन एंड देन फाइव फाइव जीरो एंड इलेवन राइट तो दिस दिस शुड बी द आवर आंसर ऐसा पॉइंट होना चाहिए था डिड वी गेट इट नो तो कहाँ पे हम लोग गलत कर रहे हैं कि एक चीज़ जो मिस हो गया था हम लोग केवल स्टैक uh, वन और स्टैक टू ही नहीं देखना है कि ये नॉन एम्प्टी रहे तीसरा चीज़ भी चेक करना है कि हमारा जो कैरी की वैल्यू है ना अगर वो भी जीरो नहीं है अगर हमारा कैरी का वैल्यू जीरो नहीं है तो भी हम लोगों को नया नोड क्रिएट करना है और उस नए नोड में कैरी की वैल्यू डाल के नेक्स्ट वाले को पॉइंट करना है अब अगर आप इसको रिटर्न करोगे अब अगर आप इसको रिटर्न करोगे तो हमको वन वन टू मिल जाएगा राइट ये सर रहेगा तो आई होप दोनों एग्जाम्पल आपको समझ में आया मैं आपको आपको कोड कोड करके दिखा देता हूं। तो जैसा कि मैंने एल मैं तो टू मैंने, आ, 11 को ट्रवेस किया स्टैक में पुश कर दिया कैरी कर, वैल्यू लूंगा और एक स्टार्टिंग में एक नोड लूंगा जिसका नल रहेगा ठीक है, है मैं क्या कर रहा हूँ सब निकाल रहा हूँ सब में सबसे पहले मैंने क्या डाल दिया कैरी ठीक है उसके बाद इस मैं चेक कर रहा हूँ स्टैक वन इम है इम है कि नहीं अगर एमपिटी नहीं है तो मैं पॉप कर रहा हूँ और सम एडिशन कर रहा हूँ फिर स्टैक टू इमपटी है कि नहीं अगर एमपिटी नहीं है तो सम में एडिशन कर रहा हूँ उसका जो भी वैल्यू बन के आई सम की उसको मैं कैरी मुझे कैरी को अपडेट कर अपडेट करना है तो मैं कैसे कर रहा था सम को डिवाइड करके तो मैंने सम को डिवाइड किया और कैरी को अपडेट कर दिया उसके बाद फिर मैंने नया नोट बनाया उस नए नोड में सम को टेन से रिमाइंडर लेके जो भी वैल्यू आ रही है उसको निस्टलाइज कर रहा हूँ और मैं आपको बताया था राइट कि Uh, मुझे क्या करना है स्टार्टिंग में मेरा ये जो नल नल है राइट ये वाला पार्ट मैं आपको अच्छे समझा देता हूँ जैसे मान लो स्टार्टिंग मेरा ये नल नोड है जैसे कोई एक नल नोड है ठीक है मैंने क्या किया एक नोड बनाया एक न्यू नोड बनाया उसमें मैंने क्या किया ये वाला टू वैल्यू टू वाला वैल्यू दिया तो मैंने ये बोला कि ये जो मैंने नया नोट बनाया ना उसके नेक्स्ट में ये डाल दो ये जो वैल्यू इसका जैसे हमारा पहले इसका वैल्यू था आंसर कि हमारा यही आंसर है तो मैंने इसमें डाल दिया कि जो भी नया नोट बन रहा है उस नए नोट के नेक्स्ट में उस नए नोट के नेक्स्ट में आंसर को डाल दो ठीक है उसके बाद जब अगली बार ये वन आए ना तो इसके वन में ये वाला मिलना चाहिए राइट तो हम लोग क्या करेंगे कि आंसर को अपडेट कर दो किससे आंसर इज इक्वल टू नोट तो अभी जो आंसर यहाँ पे पॉइंट आउट कर रहा था ये अब यहाँ पे पॉइंट आउट करने लगेगा आंसर ठीक है तो आप समझ गए और जब अगली बार ये वाला वन आएगा लेट से एक नया नोट बनेगा तो हम लोग क्या बोलेंगे भैया तुम अपने नए तुम्हें नेक्स्ट में आंसर को डालो तो आंसर कहाँ पॉइंट आउट कर रहा है यहाँ तो यहाँ पॉइंट करने रहेगा फिर बोलेंगे कि जो तुम हो इस वाले नोट को कौन पॉइंट करने लगेगा आंसर ठीक है और जब लास्ट में हम लोग यही रिटर्न कर देंगे तो हमको वन वन टू करके मिल जाएगा मतलब आंसर लास्ट में यहाँ पे रहेगा तब को वन वन टू करके मिल जाएगा तो वही हमने यहाँ पे किया हुआ है कि एक नया नोट बनाया मैंने और नोट के नेक्स्ट में मैंने आंसर को डाला और आंसर को नोट से अपडेट कर दिया लास्ट में आंसर को अपडेट कर दिया रिटर्न कर दिया तो आई होप आपको समझ में आया मैं रन करके दिखा देता हूँ आपको ये चौथा केस वही है जो फट गया था मेरा सबमिट करके देख लेते हैं सारे टेस्ट के स्पायर हो गए हैं। आई होप आपको समझ में आया और प्लीज़ अगर आपको समझ में आया तो वीडियो को लाइक कीजिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए थैंक्स बाय बाय